और अब आपको दिखाते हैं कि जोशीमठ की एक्चुअल परिस्थिति क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट जो आपको बताएगी कि जमीन धंसने और दरारों की वजह से कितनी बड़ी दहशत मच गई है। देखिए, ये जोशीमठ की तस्वीर है। पहले इन दोनों होटल्स के बीच में काफी दूरी थी और ये दूरी कम से कम आप ये मान सकते हैं कि जितना पीछे दिख रहा है 2 फीट के आसपास की दूरी थी, लेकिन अब ये दूरी कम हो गई है और अब यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर ये होटल ऊपर आ गए हैं और इनकी दीवारें एक दूसरे से काफी सट गई हैं। इसकी वजह है दरार पड़ जाना, जिसकी वजह से इन होटल्स को खाली कराया गया है। और क्योंकि ये बीच का एक रास्ता था, अब दीवार ऐसे पूरी लुढ़क गई है, झुक गई है, इसलिए ये रास्ता भी थोड़ा खतरनाक हो गया है। यहाँ दरारें पड़ी हुई हैं लगातार सड़कों पर, होटल का जो मुख्य द्वार है, अब एहतियातन इन होटल्स को खाली करा लिया गया है। तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए नीचे से कितना गैप है, ऊपर जब आप पहुंचेंगे तो पूरा एक दूसरे के ऊपर ये होटल आ चुके हैं और दोनों होटल्स को अब खाली करा लिया गया है। आप सोचिए कितनी बड़ी चुनौती जोशीमठ के सामने इस वक्त है। घर हो, होटल हो, जो यहाँ की दुकान है वो हो, या दूसरे अन्य चीजें हो, हर जगह दरारें दिख रही हैं। आप लोग इस होटल से हैं, क्या नाम है आपका? मधुर सिंह। मधुर जी, ये होटल कब ऐसे एक दूसरे के ऊपर झुक गए? ये होटल तो अभी रिसेंटली जो है 3-4 दिन पहले यहाँ पे बहुत ज्यादा आवाज आई थी जमीन पे, उस वजह से जो है ये दोनों आपस में। कैसी आवाज आई थी मधुर जी? जमीन खिसकने की आवाज। अच्छा। और ये बस्ती जो है इसके ठीक नीचे विष्णु प्रयाग की कॉलोनी है, उन कॉलोनियों के बगल से इतना मोटा पानी जो एनटीपीसी का है वो जा रहा है। एनटीपीसी की जो मशीन, कटर मशीन जो अंदर काटती थी, टनल बोरिंग मशीन, वो सन 2011-12 या 10-11 मैं एक्यूरेट बोल रही हूँ ना, वो वहाँ फंस गई थी। तो उस मशीन को निकालने के लिए ये रात रात को ब्लास्टिंग कर रहे हैं। 1:30 से 2 बजे के रात के बीच में ही गुड़गुड़ाहट क्या आ रही है, गड़गड़ गड़गड़ और बैठ रहा है, टूट रहा है, फट रहा है, इस तरह की स्थिति है। ये 700 मकान अब तक टूट चुके हैं, होटल एक दूसरे के ऊपर झुक चुके हैं, होटल खाली किए जा रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं। जोशीमठ पर अब तक का यह सबसे बड़ा संकट है। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, जोशीमठ, उत्तराखंड।